माय डियर स्टूडेंट, हम लोग वापस से शुरुआत कर रहे हैं उसी टॉपिक की। टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं शॉर्टकट में। और वो चीज़ें कौन कौन सी? एक तो स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इट मीन्स व्हाट? चीज़ें जो है, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, ठीक। फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इट मीन्स ये कि वट एवर इज गोइंग ऑन, जो एक्चुअल में हो रहा है वो पॉजिटिव है, जो होना चाहिए वो नॉर्मेटिव है। आपके टारगेट क्या है? नॉर्मेटिव है। आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव है, ठीक। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट मीन्स जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि एक कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, एक प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करता है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेगा। इट मीन्स ये हुआ कि प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा? कम डिमांड करेगा। प्राइस घटेगी तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेगा। प्रोड्यूसर जो है, जो सप्लायर है, प्राइस बढ़ेगी तो ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा, प्राइस घटेगी तो कम सप्लाई करना चाहेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं, या मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की बात हम करते हैं। हम यहाँ पर जो है पूरे देश के लेवल पर बात नहीं करते हैं, हम मैक्रो यानी माइक्रो छोटे लेवल पे बात करते हैं। और मैक्रो में हम क्या करते हैं? मैक्रो में हम लोग बड़े लेवल पे बात करते हैं, जैसे कि पूरे देश की इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, मतलब पूरे एक देश की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, ठीक। तो इसके बारे में आपको डिफरेंस लिखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स? सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जब भी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने जाएंगे तो तीन सवाल आपके सामने आएंगे। और तीन सवाल क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, आप मान लीजिए कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, करना है आपको, तो कपड़े का बिजनेस आप किस टाइप का करें? मतलब आप जो है कपड़े का करें तो कपड़े का ही करें, या कोई दूसरा भी तो कर सकते हैं उसी पैसे में। हम जो है कपड़े के बजाय जूते का व्यापार कर लें, हम जो है कॉपी पेन का व्यापार कर लें, पर हम क्या करें? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आएगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी? कैसे करें, हम कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाएं। मान लो हमने पहले तय कर लिया कि हाँ भाई हमें कपड़े बनाना है। अब कपड़े बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अपना है? हैंडलूम से भी कपड़े बनते हैं और जो है आपके मशीन से भी कपड़े बनते हैं। तो आप कौन से तरीके से कपड़े बनाना चाहते हैं? तो हाउ टू प्रोड्यूस। फिर क्या है आएगा? किसके लिए बनाए? छोटे बच्चों के लिए वाले कपड़े बनाए, महिलाओं के कपड़े बनाए, है ना, पुरुषों के कपड़े बनाए, ये उसमें जो हम जो है कोट पेंट बनाए, या हम कुर्ते पजामे बनाए, किस टाइप के बनाए। तो ये तीन प्रॉब्लम ऑलवेज आएगी, और इन तीनों प्रॉब्लम को जो है का आंसर आपको एक रेशनल आंसर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये कि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट मीन्स द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन यानी कि आपके पास जैसे कि दो ऑप्शन है। मान लीजिए आपको एक जॉब है जिसमें आपको सैलरी मिल रही है 60,000, फिर दूसरी आपके पास जॉब भी आपको मिल रही है 50,000। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कौन सी जॉब चूज़ करना चाहेंगे? आप जॉब चूज़ करना चाहेंगे 60,000 वाली, है ना। मान लो तो ये 60,000 रुपये की जॉब पाने के लिए आपको क्या खोना पड़ रहा है? 50,000 खोना पड़ रहा है, ठीक। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। जो भी खोना पड़ता है वो क्या है? उसकी कॉस्ट है। तो इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी का करना पड़ रहा है, खोना पड़ रहा है। तो जो दूसरी अपॉर्चुनिटी की जो हम खो रहे हैं वो क्या है? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो क्या है? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप क्लास में बैठे हैं तो आप कोचिंग में नहीं बैठे, आप जॉब कर रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं तो आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं।
तो एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को खोना पड़ती है। जो चीज खो रहे हैं वो क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर है PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट मीन्स आप कोई दो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके कुछ कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक दो चीज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव बन सकते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब आपको ये बात मैं एक ग्राफ और चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, समझ में आ जाएगी। आपके बुक में एक टेबल दे रखी होगी, देखो उसमें आपको दे रखा होगा कि आप दो चीज़ें बना रहे हैं, एक तो गन बना रहे हैं और दूसरा आप क्या बना रहे हैं, बटर। दूसरा क्या बना रहे हैं, बटर। गन को मैं क्या नाम दे दूँ, एक्स दे दूँ, बटर को वाई नाम दे दूँ मैं, ठीक है। और इधर आपको साथ पास में लिखा होगा कॉम्बिनेशन लिखा होगा, पॉसिबिलिटी लिखा होगा, कॉम्बिनेशन लिखा होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए, आप इसमें आप मुझे बताएं कि गन में कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 21, और ये जीरो, मतलब कि हम इसको प्रोड्यूस ही नहीं करें तो हम 21 गन प्रोड्यूस कर पाएंगे। मतलब हम सारे रिसोर्सेस एक तरफ लगा दें तो हम 21 गन प्रोड्यूस कर पाएंगे यदि हम बटर बनाए नहीं तो, या मतलब खाने के लिए चीज़ें बनाए नहीं तो। ऑप्शन बी क्या हो सकता है कि जैसे हमने इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे इधर का उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जैसे इसका प्रोडक्शन घटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वन से बढ़ा, ठीक। फिर ये जो है इसको हम कम करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, इसको वापस फिर हमने कम किया, कितना कम किया, कितना 18, तो ये कितना हो गया 2, फिर कितना हो गया, ये कितना है 15, फिर कितना हो गया 3, फिर 11, फिर कितना 6, फिर 0, ठीक। तो ये क्या हो गया 4, 5, 6, इट मीन्स ये आपकी बुक में दे रखा है ABCDEF और G। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई आप यदि एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। अब इसमें एक बात तो ये हो गई जो इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि ये पॉसिबिलिटी बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पॉसिबिलिटी है। आप इस या तो ये पॉसिबिलिटी ले लो कि 2 इसको बना लो, 18 ये बना लो, ये पॉसिबिलिटी ले लो, ये पॉसिबिलिटी ले लो, कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी आप कर सकते हैं। अब इसमें एक और खास चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी MOC बोले तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आप जितना मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं है ना, उसको यदि आप डिवाइड कर दें किससे, किससे, अरे MOC तो खुद ही अपने आप में है, वो जितना आप गेन कर रहे हैं उसे डिवाइड कर दें। मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक प्रकार का रेशियो है, क्या है रेशियो, कि कितना पाने के लिए कितना खोना पड़ रहा है, कितना पाने के लिए कितना खोना पड़ रहा है। तो चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, देखो ये हम पा रहे हैं, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं चेंज इन गेन अपॉन चेंज इन सेक्रीफाइस, चेंज इन सेक्रीफाइस, ओके सॉरी हम लोग वाई में गेन कर रहे हैं और एक्स में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स में हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, कम 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 होते जा रहा है, और वाई में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस टाइप में फार्मूला लिख दिया मैंने। अब आप ये देखें, यहाँ पर आपने एक पाया, एक पाने के लिए खोना कितना पड़ा, एक पाने के लिए एक को खोना पड़ा है ना, फिर एक और पाया, एक और को पाने के लिए एक को पाने के लिए एक को खोना पड़ा, फिर एक, फिर आपको एक और को पाने के लिए कितना खोना पड़ा, यहाँ पर 2 को खोना पड़ा, फिर इसको एक 2 से 3 आए, एक और को पाया, एक को पाने के लिए कितना खोना पड़ रहा है, 3 खोना पड़ रहा है, फिर एक और को पाने के लिए कितना खोना पड़ रहा है, 4, फिर एक और को पाने के लिए कितना खोना पड़ रहा है,
एकड़ को खोने के लिए कितना पाना पड़ रहा है? 5। फिर इसको पाने के लिए कितना खोना पड़ रहा है? 6। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि देखो हम यहाँ 1111 आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये 111 आगे बढ़ते गए, तो हम यहाँ खोना कितना पड़ रहा है? पहले 1 खोया, फिर 2 खोया, फिर 3 खोया, फिर 4 खोया, फिर 5 खोया, फिर 6 खोया। मतलब जो हमारे खोने की जो कॉस्ट है, तो जो हम कहें सॉरी जो खोने का रेशियो है, जो सेक्रीफाइस करने का रेशियो है, वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। जब हम एक किसी एक ही तरफ जो एक ही टाइप का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे, तो जो दूसरे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होती आएगी? वो बढ़ती जाएगी। वो क्या होती जाएगी? वो बढ़ती जाएगी। वो उसकी मार्जिनल, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही लिखा हुआ है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल तुम समझ में आ रहा है ये बात कि हम दूसरे को जब एक को बढ़ाना है तो दूसरे को ज़्यादा खोना पड़ेगा। पहले कम खोएंगे, फिर ज़्यादा खोएंगे, ज़्यादा खोएंगे, ज़्यादा खोएंगे, जब जा करके हमें वो हासिल होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है ये आप लोग सोचना, मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल यदि हम इस बात को एक ग्राफ पर प्लॉट करें, इसको यदि हम एक ग्राफ पर प्लॉट करें, तो इस तरफ आप जो है सारे इस तरफ एक्स वाले इस तरफ लिख लो और वाई वाले इस तरफ लिख लो, और जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप ठीक से ग्राफ प्लॉट करना पूरा कंप्लीट। मैं अभी आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा ग्राफ। अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार एक पूरे इकोनॉमिक्स में काम आने वाली बात बता देता हूँ। आपको हर टॉपिक जो रहेगा, मैक्सिमम टॉपिक, उसको समझाने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए तीन तरीके हैं। तीन तरीके क्या हो गया? एक तो उसका जो थ्योरी आपने पढ़ लिया वो होगी, दूसरा उसका आप जो है ग्राफ सॉरी उसकी टेबल बनाएंगे और टेबल को ही आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे, और इनसे जो कंक्लूजन निकल रहा है वो कंक्लूजन आपको लिखना रहता है। इसी टाइप की चीज़ आगे भी आएगी। तो जैसे कि आपने ग्राफ बनाया है, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई दो चीज़ों के प्रोडक्शन करने के कॉम्बिनेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? कॉम्बिनेशन बता रहा है। एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है। तो आप जब ये बनाएंगे तो ए बी सी डी ई इस टाइप से सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? सारे कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो चीज़ों को हम कितने, मतलब कितने कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी, और उनके घटने का एक रेशियो है, मतलब इनका जो सेक्रीफाइस करने का एक रेशियो है, उस रेशियो का नाम क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और इसमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो इसका कर्व होगा वो कैसा होगा, इसको बोलते हैं, इसको कौन सा से बोलते हैं? कॉनकेव। कौन सा बोलते हैं? कॉनकेव। और ये पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन। ये क्या होता है? ओरिजिन। तो ये कर्व कैसा होगा? कॉनकेव टू ओरिजिन। तो अब यहाँ 3-4 पॉइंट हो गए कि पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव टू ओरिजिन, पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव टू ओरिजिन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज गोज डाउन या ऑलवेज गोज डिक्रीज। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? बढ़ती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? बढ़ती है। सेक्रीफाइस क्या होता है? बढ़ता है। आपका सेक्रीफाइस बढ़ेगा और जो है इसका सेप कैसा रहेगा? ऐसा ही रहेगा। तो पीपीसी कभी भी ऐसा नहीं होगा, पीपीसी ऐसा नहीं होगा। पीपीसी का स्टैंडर्ड साइज जो है वो कैसा होगा? कॉनकेव भी होगा। अब यदि ऐसा बन रहा है तो ऐसा कब बनेगा? जब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेशियो जो इक्वल रहेगा तब ऐसा बनेगा। जब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेशियो उल्टा हो जाएगा तब ऐसा भी बन सकता है। स्टैंडर्ड कैसा है? स्टैंडर्ड इसका कॉनकेव है। ठीक, तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।